ओके okay. तो हमारे से कहता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्या है, साइज ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों आप ये नाइन परसेंट केसेस में हमेशा एनाइन नॉर्मल एटम से और एटम बड़ा होता है कैटाइन से। कैटाइन का साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि जब कैटाइन बनता है तो उसका या तो वैलेंसी सेल रिमूव हो जाता है या फिर उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जबकि एनाइन का साइज होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, पर इसके सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से थर्ड। और देख रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, ऑर्बिटल ऑर्बिट कितनी होंगी। तो अब हमें यहाँ तो ये हमारा ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल निकालेंगे कैसे? ऑर्बिटल निकालने का तरीका होता है हम किसी सेल में ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। 2n स्क्वायर से हम किसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और अगर हम 2l प्लस 1 लें, 2l प्लस 1, इससे हम सब सेल में ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल निकालनी है गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्म n2 की वैल्यू में हमने रख दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगी कितनी? n स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो कौन सा आंसर? 4। सो 4 करेक्ट आंसर। हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से जो 10 क्वेश्चन हैं वो तो मैं YouTube पर डालूंगा और बाकी सारे ऐप में किंग केमिस्ट्री से रद्द होगी और वो किंग केमिस्ट्री एट गूगल है। तो आप इन्हीं पर भी परचेज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं व्हेन ऑर्बिट अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स एनर्जी। जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी का क्या होगा? तो हमने क्या किया, यहां डायग्राम बना दिया और इसकी एनर्जी 13.6 है और यहां इंफिनिटी है। इंफिनिटी पर एनर्जी जीरो है। तो यहां तो देखो 13.6 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है ना? यहां 13.6 ऊपर वैल्यू है हमारी पॉजिटिव। तो अब एनर्जी का क्या हुआ? तो यहां से हम यहां जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। तो थर्ड आंसर हमारा करेक्ट। हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि वो हमसे क्या कह पास इसके पास प्रोटॉन के नंबर 25 और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इसमें से पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 एटॉमिक नंबर हो गया माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव आए ना तो 23 हो जाएंगे और इस तरह हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें डी ब्रोक
इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव रह सकता है, इस दो आइंस्टीन इक्वेशन और ये है हमारी प्लैंक इक्वेशन। जब हम इन दोनों एच सी लैम्डा को कंपेयर करते हैं तो फाइनली हमारा फॉर्मूला एच आई एम या फिर सी की जगह वेलोसिटी रख दे फॉर्मूला एच बाई एम बी। तो कौन सा आंसर सही हुआ? लैम्डा इज इक्वल टू एम बी, दैट इज मीन सेकेंड। हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा स्क्रीन पर। रेडिएशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अब क्या होगा? फर्स्ट का मतलब है ये हमारी एन वन है और ये हमारा फर्स्ट है सेकेंड, तो हमें सेकेंड की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, हमें सेकेंड की एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फर्स्ट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको याद है तब तो बेस्ट है, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो और ये -3.4 इंटू जेड स्क्वायर होती, जो मैंने आपको क्लास में ऐप में सब जगह पढ़ाया। अब कैसे वैल्यू इसको है, इस वैल्यू को निकालने के क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में ये फॉर्मूल और एन की जगह पर नीचे टू का रख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाएंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, टेन। कि ये वाला डिफरेंस होता है थर्ड का और ये वाला 12.75 होता है। तो आप या तो इसे याद कर लो, रट्टा मार लो, और नहीं तो इस फॉर्मूले से इनकी एनर्जी को निकालो और फिर सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे ये इसकी एनर्जी 5.1 होता डिवाइड करने पर आएगी और इसकी वैल्यू -0.8 जो 4 डिवाइड पे आएगी, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा जो दिख रहा है। हम चलेंगे नेक्स्ट के। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट सिर्फ साइन अलग होते हैं, ये अगर नहीं तो ये पॉजिटिव, ये पोटेंशियल, जबकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 times होता है, तो 2 An और साइन सेम होता है। तो अब ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो टोटल एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो ये नेगेटिव है नेगेटिव, तो फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम करते कैसे इस टाइप के लिए, ठीक है ना, नीचे की एन हमेशा एल से और एल, ठीक है ना, प्लस माइनस एम के बराबर। तो सबसे पहले चेक करते हैं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन एल के बराबर है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड पॉसिबल नहीं है, फोर्थ हो सकता है, थर्ड और फर्स्ट तो हो ही नहीं सकते। अब आगे करते हैं इस टू के माइनस टू से लेकर प्लस टू हो सकता है, तो ये बात सही है। और इस टू के लिए ये माइनस टू से लेकर माइनस प्लस टू तक हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर सेकेंड इंपॉर्टेंट है, आने की उम्मीद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
है नाइट्रोजन, तो नाइट्राइड आयन हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नाइट्रोजन कितने हो, तो नाइट्राइड हमने क्या किया, नाइट्राइड ये होता है, और नेगेटिव में अगर इलेक्ट्रॉन तो उसके एटॉमिक नंबर में उसका नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो, प्रोटॉन तो नेगेटिव चार्ज 3 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नाइट्राइड में, तो 7 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन तो देखते हैं कहाँ है, तो थर्ड ऑप्शन में देख, अगर पूछा होता एज स्ट्रक्चर ये तो 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 22 इलेक्ट्रॉन्स, ये एजाइड मैंने इसलिए बताया है मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है, क्लियर। तो हम जब ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल तो जो निकल है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकल का एटॉमिक होता दोस्तों, एक्स पर रख लो और ये डी पर रख लो, तो 4s2 3d8 हो गए। अब दोनों पेयर होंगे, अब डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसको फिलअप कर दिया, पहले सिंगल एकोपाइट कर, फिर ये 6, फिर ये 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है ना, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, तो फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक मोमेंट निकल 2.3, इसको निकलने के हम इस फॉर्मूले का यूज करें, एन एन प्लस और नहीं दिया, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसमें 0.83 से लेकर एंटी के बीच में कुछ भी देख लो, क्योंकि देगा वो आपको कैलकुलेट, तो आपको करना नहीं है, वो कैलकुलेट किया हुआ देगा, तो बस 2.83 से लेकर जो भी आंसर आपको दिखेगा वो सही हो जाएगा। हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 11। एक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन में पूछ रहा है ये प्रॉपर्टी, तो हमने यहां देखा ये 4s2 और 4p2 है और इसका ग्रुप नंबर 40, इसका मींस है कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम देख लेंगे नीचे से कौन सा एलिमेंट, तो कार्बन से ही बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर मैं देखता हूं मैंने गलत सॉल्व किया है, ये 4 है, तो 2 और 4 मिलेंगे 6 या फिर 6, और जाएगा तो ये ऑक्सीजन फैमिली, तो ये ऑक्सीजन से मिलती जुलती होंगी, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट नहीं थर्ड हो जाए। अब देखते चलते हैं सर अगला क्वेश्चन, हमें सबके सबके मास नंबर बराबर है, और जब किसके मास नंबर 212 एटॉमिक नंबर हो तो हम उसको आइसोटॉप्स कहते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस है तो निकाले होती है बराबर आइसोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब भी आपको बता देता हूँ 3 7, तो इसमें 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, दिखाया 16 11 23, इसमें 12 प्रोटॉन है, सॉरी 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो डिफरेंस, और लिथियम
ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही, पहली बात तो ग्रुप चेक किया, ये एक पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड में आगे जाने पर ठीक है ना साइज, तो कैल्शियम तो इन सबसे ही बड़ा है, पर इनमें एल्यूमिनियम प्लस थ्री सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज कम, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्थ हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, फोर्थ। हम आगे चलते हैं, द इलेक्ट्रॉन अरेंज अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, ये ऑफ वो का रूल, ये ऑफ वो ने दिया था। मैं ऑफ वो कोई रूल, इन दोनों रूल्स और एक एन प्लस एल रूल को मिलाकर हम ऑफ वो रूल कहते हैं। जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स है बिल्ड अप, कई रूल्स को मिलाकर एक रूल बनाना जो ऑफ एग्जाम में ऑफ वो प्रिंसिपल किसने दिया, तो लिख लो भैया कॉपी पर ये प्रिंसिपल किस नेशन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जामों में आ सकता ठीक है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन है क्या, वो कहता है किसमें मैक्सिमम निकलेगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी। तो इसको करने के दो तरीके, एक तरीका तो ढक्कन तरीका है जो आपको बता रहा हूं, और एक जो आपको करना पड़े मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो देखते हैं वो कौन सा है, जो तो ये है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर से एन वन में आएगा ठीक है ना, तो जितनी दूर से उतनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट या एब्जॉर्ब होगी, या एन वन से दूर जाएगा। अब ये तो इमिट कह रहा है, इमिट कह रहा है तो हायर एनर्जी में से एन वन में लगा, तो हमने देखा एन वन से एन टू में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये हो नहीं सकता, ये आंसर होगा ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि एनर्जी निकालो फर्स्ट और सेकेंड एच म्यू में रखकर मल्टीप्लाई कर, तो जितना डेली का डिफरेंस होगा ज्यादा हो ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड के बीच की एनर्जी सबसे ज्यादा, हमने इस वीडियो में पहले की बताया, तो ये 10 पॉइंट जो मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा डिफरेंस किसी में नहीं होता, इसलिए याद रखो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर से एन वन में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताते क्वांटम नंबर हमको दो बातें बताते हैं, दूसरा रेडियस और साइज। तो चेक शेप ऑफ ऑर्बिटल एल से पता लगता है ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तो ये बता दे, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² से पता लगता है, ऑर्बिटल इन वन सेल तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं यही आंसर कौन सा, क्वेश्चन की तरह
इसमें से कौन डंबल शेप्ड है, किसकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, ये ऐसा होता है, ये डी डंबल। यहां पर याद रखना एक डी ऐसी होती है जो जिसमें दो डंबल नहीं होते, स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो इसके एक्स और वाई एक्सिस में प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन की डिस्क मिलती है, तो कौन सी डी ऑर्बिट नहीं होती, ठीक है, डी जेड पर खाली पूछ रहा है तो सर पी हो जाए। हम चलते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है पी ऑर्बिटल कैन है, इसमें कई बच्चे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ, तो भाई ऑर्बिटल हो एक ऑर्बिटल में मैं दो ही आ सकते, इसको ऑर्बिटल सबसेल समझकर डी में 10 कर देंगे, पी में 6 कर, ठीक है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन के, और ये रूल हमको पॉली ने दिया था, पॉली ने हमको दो रूल दिए थे, रूल में वो कहता है कि ऑर्बिटल में मैक्स विद अपोजिट स्पिन, नोडल सरफेस एस में एक काम होती है, नोडल सरफेस निकालने के लिए हम इस एस में नोडल सरफेस निकालने का 2 - 0 - 1 इज इक्वल टू, याद रखो एस एक काम होती है, मींस 4s में 3 हो गए, 2s में 1 हो गई और 1s टिंगा होगी मतलब 0, तो 2s में पूछ रहा है तो सेकंड इज ए करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हायर द ड्रॉप टू इजेक्ट ऑन इन कॉन दिए हुए एग्रेशन में से सब एनर्जी दोस्तों निकलती है किसमें से, P6 में से, P6 के बाद में P5 और P5 के बाद था लेकिन स्टेबल जिनके जैसे, और इसके बाद होता है P4 और P4 के बाद आई होप क्वेश्चन देखा कोई P6 नहीं है, वे नहीं पाए, P3 है सेकंड आंसर, अगर दो जैसे एक टू तो अब हम फिर ये फर्दर कंसेप्ट और लगाते, ये ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, तो अगर यहाँ 2p3 और 3p3 होते, 2p3 आयोनाइजेशन एनर्जी 3p कंपैरेटिव, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने किंग केमिस्ट्री में जो भी सीट थी उसको सॉल्व किया है, तो ऐसे ही हम रोज एक क्वेश्चन की अब वीडियो आपको रोज देते जाएंगे, आई होप आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर एक बात तय है कि पेपर तो इसी से ही आएगा, इस साल के जितने भी पेपर होंगे वो सब किंग केमिस्ट्री के आएंगे, अब ये आपकी किस्मत है।